फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। हमारा टॉपिक कंटिन्यू है कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंसेस, वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण। ठीक है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ अ सीक्वेंस, अनुक्रम का उच्चक और निम्नक क्या होता है। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोअर बाउंड्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड द इन्फिमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, परिबद्ध अनुक्रमों में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है तथा निम्न परिबंधों का महत्तम मान अनुक्रम का निम्नक कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे हमारे सीक्वेंस है एक्सन। ठीक है, एक्सन की वैल्यू मैंने कहा स्मॉल के और कैपिटल के बीच में है। ये क्या है? ऊपरी परिबंध है। ठीक है, ये है निचला परिबंध। ठीक है, मतलब एक्सन की वैल्यू स्मॉल के और कैपिटल के बीच में वैरी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ ये ऊपर से भी परिबद्ध है और नीचे से भी परिबद्ध है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? परिबद्ध अनुक्रमों में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान। अब हमको पता है कि एक्सन की वैल्यू के या के से छोटी है। ठीक है, और इस के बाद जो इधर वैल्यू आएंगी वो सब बड़ी आएंगी। तो ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान ये क्या है? ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान, और ये क्या है? एक्सन की वैल्यू या तो के या के से बड़ी है। तो ये वैल्यू, और यहां से के इधर जो वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी? के से छोटी होंगी। ठीक है, तो निचले परिबंधों का ये क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है। तो परिबद्ध अनुक्रमों में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान उच्चक कहलाता है तथा निम्न परिबंध, इधर से सब जो है वो क्या? निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध का महत्तम मान ये क्या है? निम्न परिबंध का महत्तम मान ये क्या कहलाते हैं? अनुक्रम के उच्चक और निम्न कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे सब सिक्वेंस। लेट एक्स इक्वल टू एक्स एन एंड वी इक्वल टू वी एन बी द सिक्वेंसेज ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नेचुरल नंबर, देन एक्स डैश इक्वल टू एक्स वी एन, वेयर एक्स सिक्वेंस क्या मिलेगी हमको? एक्स वी एन, एक्स एक्स वी वन, एक्स वी टू, एक्स वी थ्री, एक्स वी एन इज कॉल्ड द सब सिक्वेंस ऑफ द गिवन सिक्वेंस एक्सएन। एक्सएन और वी एन कोई सिक्वेंसेज हैं, तो जो सब सिक्वेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको? एक्स वी एन। ठीक है, सिक्वेंस एक्सएन दस इफ द फंक्शन, जैसे हमने बताया इसमें कि हमारा फंक्शन एक्स है वो एन से आर में। ठीक है, और हमारे पास सिक्वेंस एक्सएन इक्वल टू एक्सएन है। ठीक है, और वी है वो एन से एन में नेचुरल नंबर है, एन से एन में। Then, और वी एन में जो वैल्यू मिल रही है वो हमको वी एन वी वन वी टू वी थ्री उस टाइप से हमको सिक्वेंस फाइंड आउट हो रही है। विच इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग देन देन कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? एक्स ओ वी, जैसे अपन कहते थे एफ ओ जी एक्स, ये चीज तुम पढ़ चुके हो। एफ ओ जी एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये होता है एफ ओ जी एस इक्वल जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। मतलब पहले फंक्शन जी एक्स की वैल्यू रखो, फिर जो फंक्शन हमारा ये था उसमें ये जो वैल्यू आएगी उसको सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ये यही हमारा कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। अब एक्स ओ वी कहां से कहां तक हो जाएगा? इसका तो हो गया प्रांत और इसका आ गया रेंज। ठीक है, एन टू आर, वेयर एक्स ओ वी एन इक्वल टू क्या होता है? एक्स ऑफ वी एन इक्वल टू एक्स वी एन। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हो। यदि हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स एन सिक्वेंस दे रखी है, बनपोन है, वन अपॉन एन दे रखी है। हमको सिक्वेंस कैसे मिलेगी? वन वन बाय टू, बिकॉज एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नहीं अगर वेरीफाई मतलब बता नहीं रखा है तभी तो वो समझ जाना है कि हमेशा एन जो होगा हम प्रांत जो लेंगे वो एन में से ही लेंगे। ठीक है, अब वी इक्वल टू वी एन लिया है, वी एन में हमने लिया है टू एन माइनस वन। क्या लिया है? टू एन माइनस वन। अगर टू एन माइनस वन लिया तो मुझे सिक्वेंस क्या मिलेगी? एन की जगह वैल्यू रखती है वन टू थ्री फोर, ये क्या मिलती जाएगी? वन थ्री फाइव ये मिलेगी। तो अब हमको कंपोजिट फंक्शन क्या मिलेगा? एक्स ओ वी एन। क्या होगा? एक्स ओ वी एन। एक्स ओ वी एन तो हम क्या लिखेंगे इसको? एक्स ऑफ वी एन। अब वी एन हमारा फंक्शन है वो रख दो यहाँ पे टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन रख दिया। अब हमारे पास एक्स ऑफ एन फंक्शन कैसा है? एक्स ऑफ एन फंक्शन वन अपॉन एन है, तो ये हमारे पास एन ये वन अपॉन टू एन माइनस वन हो जाएगा। वन अपॉन टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन फंक्शन ऐसा मिल रहा था
वालों पर टू एम एल में क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, वन वन बाय थ्री, वन बाय फाइव, ये क्या है, ये इसकी सबसिक्वेंस होगी। क्या होगी ये, सबसिक्वेंस ऑफ, सबसिक्वेंस ऑफ एक्सएन, एक्सएन की क्या होगी ये सबसिक्वेंस होगी। ओके, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फॉर प्रूफ दैट सीक्वेंस xn, प्रूफ दैट सीक्वेंस xn, वेयर xn इक्वल्स टू, एक्स एन इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमको, थ्री एन अपॉन एन प्लस फाइव अंडर रूट एन, वेर एन एक्स एन इक्वल्स टू थ्री एन अपॉन एन प्लस फाइव अंडर रूट एन कन्वर्जेस टू थ्री। कन्वर्जेस टू थ्री हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि हमारा अनुक्रम जो है एक्स एन इक्वल टू थ्री एन अपॉन एन प्लस फाइव अंडर रूट एन, ये हम थ्री को अभिसारी हो रहा है। क्या इसका किस बिंदु पे अभिसारी हो रहा है, ये थ्री को अभिसारी हो रहा है। ठीक है, अब अभिसारी लाने के लिए हमको क्या करते हैं, इसकी लिमिट पॉइंट, हमें लिमिट, लिमिट और कन्वर्जन दोनों सिमिलर है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, किसी भी सिक्वेंस को कन्वर्जन कब कहते हैं, इफ इट्स लिमिट इज फाइनाइट, अगर उसकी लिमिट फाइनाइट है तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। ठीक है, अब कन्वर्जेंस टू थ्री इसका मतलब ये क्या है, थ्री उसकी लिमिट है, ये तो करते हैं हम। लिमिट के लिए क्या करते हैं, व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, देन एन इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन एंड सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंस टू एन, हम जानते हैं ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां करना क्या है हमको, वी हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एन जीरो फॉर एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, वी हैव टू डिटरमाइन नेचुरल नंबर एन जीरो। क्या करना है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमको एक नेचुरल नंबर एन जीरो को डिटरमाइन करना है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्सएन, एक्सएन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3n अपॉन n प्लस 5 अंडर रूट n माइनस l की जगह क्या है हमारे पास, 3 इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, करो उसको सॉल्व, 3n माइनस 3n माइनस 15 रूट n अपॉन एन प्लस फाइव अंडर रूट एन इज लेस देन एप्सिलॉन, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3n से 3n तो कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर माइनस है तो बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
15 अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस 5 अंडर रूट एन, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन हमारी आ गई सेकेंड। ठीक है, इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट आ गई और ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 15 अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस 5 अंडर रूट एन इज लेस देन, अगर इसको हटा दें हम तो ये जो वैल्यू है वो इसको हटा देंगे इस वैल्यू से तो छोटी ही होगी, तो इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, 15 अंडर रूट एन अपॉन एन। ठीक है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू कम हो रही है तो वैल्यू ऊपर वाली बढ़ जाती है। ठीक है, तो 15 अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस 5 अंडर रूट एन इज लेस देन 15 अंडर रूट एन अपॉन एन, और इज लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 15 अपॉन अंडर रूट एन क्या हो जाएगा, 15 अपॉन अंडर रूट एन इज लेस देन एप्सिलॉन्स। ठीक है, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन्स हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दोनों और स्क्वायर कर, दोनों अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 225 अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, देन हम वैल्यू निकालते हैं एन की, तो 225 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा, एक इज लेस देन एन क्या हो जाएगा, 225 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर इज लेस देन एन। ठीक है, ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन 2 इज ट्रू इफ, सो इक्वेशन 2 इज ट्रू इफ लेस देन एप्सिलॉन्स। ये कब होगा ट्रू, 15 अपॉन, ये जो है इक्वेशन 2 ये ट्रू तब होगा जब 15 अपॉन अंडर रूट एन लेस देन एप्सिलॉन्स होगा। ठीक है, ये अगर लेस देन एप्सिलॉन्स होगा तो ही ये चीज ट्रू होगी, सो इक्वेशन 2 इज ट्रू इफ, इक्वेशन 2 ये जो है वो ट्रू कब होगा, इफ 15 अपॉन अंडर रूट एन इज लेस देन एप्सिलॉन्स, ये चीज वापस लिख देते हैं, देन 225 अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन्स स्क्वायर, देन 225 अपॉन एप्सिलॉन्स स्क्वायर इज लेस देन एन। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन्स स्क्वायर, सो एन जीरो इज सो लार्ज सच दैट एन जीरो इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, एन जीरो इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सीक्वेंस एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कहां हो रही है, 3 पे, सो सीक्वेंस
एक्सेल इज कन्वर्जेस टू थ्री। हमारी सीक्वेंस एक्सेल कहां पे कन्वर्ज हो रही है? थ्री को। ठीक है, ये हम सॉल्व कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। That the sequence xn is convergent and is convergent and also find its limit and also find its limit where x1 equals to 1 and xn plus 1 xn plus 1 equal to 4 plus 3 xn upon 3 plus 2 xn where n is greater than equal to 1। जहां पे n की वैल्यू क्या है? greater than equal to 1। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूट करो। 1, 2। ठीक है, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसा। ठीक है, x1 की वैल्यू तो हमको मिल गई 1। ठीक है, वो तो ऑलरेडी गिवन है हमको। अब जब एक्स एन की जगह 1 रखा तो क्या मिलेगी? x2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? x2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 + 3 अपॉन 3 + 2, क्योंकि xn की वैल्यू तो क्या है? 1 है, तो 4 + 3 कितना हुआ? 7 अपॉन 3 + 2 कितना हुआ? 5। ठीक है, 7 upon 5। ठीक है, अगेन किसकी वैल्यू रखनी है हमको? 3। x3 निकालना है। ठीक है, n की जगह क्या रखा हमने? 2 रखा। n की जगह जब 2 रखा तो क्या मिलेगा हमको? 4 + 3 into x। n की जगह क्या रख रहे हैं? पहले रखा था हमने 1, अब रख रहे हैं हम n की जगह 2। n की जगह पहले n की जगह 1 रखा तब तो ये वैल्यू मिली, अब n की जगह हम 2 रख रहे हैं। ठीक है, n की जगह जब 2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा? n3 मिलेगा। n की जगह हमने 2 रखा है, x2 upon 3 + 2 into x2, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 4 + 3 into x2 की वैल्यू क्या? 7 upon 5 upon 3 + 2 into 7 upon 5। करो उसको सॉल्व। 4 + ये आ जाएगा 20 1 upon 5 upon 3 + 14 upon 5। कितना हो जाएगा ये? 20 + 21 upon 5 upon 15 + 14 upon 5। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 41 upon 29। ठीक है, 41 upon 29 ये हमारी वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक है, इसका मतलब हमारी सीक्वेंस कैसी आ गई? x1 x2 क्या हो गया? इसका मतलब ये आ गया 1 1 इज लेस देन 7 upon 5 is less than 40
वन अपॉन 29, और ये जो वैल्यू है वो देखो ये वन वन से ये क्या है थोड़ी सी बड़ी है, उससे बड़ी ये है, तो ये जो है ना वैल्यू वो लगभग ये टू से ऊपर नहीं जाएगी। कहाँ नहीं जाएगी, ये वैल्यू जो है जो भी आती जाएगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो है वो टू से ऊपर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ती 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 तक लास्ट टू तक ही जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वन इज लेस देन, एक्स टू इज लेस देन, एक्स थ्री इज लेस देन, और इसकी वैल्यू कितनी है, अपर बाउंड क्या हो गया इसका टू। अभी हम ये भी शो करेंगे, अभी हम तो अभी बता दू खाली। अब देखो अब हम लेके चले यहाँ पे, लेट एक्स आर प्लस वन इज लेस देन एक्स आर प्लस टू, क्या लेके चल रहे हैं, लेट एक्स आर प्लस वन इज लेस देन एक्स आर प्लस टू, ठीक है। तो करो एक्स आर प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर प्लस थ्री एक्स एन एक्स एक्स आर प्लस वन रखते थे, यहाँ एक्स आर आएगा, एक्स आर अपॉन थ्री प्लस टू एक्स आर, ठीक है, इज लेस देन, यहाँ पे अपन ये लेके चल रहे हैं। अब अपन वैल्यू किसकी निकालेंगे यहाँ पे, एक्स आर प्लस वन इज लेस देन एक्स आर प्लस टू, या फिर यहां लिख दो एक्स आर, एक्स आर इज लेस देन एक्स आर प्लस वन। फिर हम यहाँ वैल्यू निकालते हैं, एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर प्लस टू, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर प्लस टू, ठीक है, एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर प्लस टू की वैल्यू निकालते हैं, एक्स आर प्लस वन तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस थ्री इंटू एक्स आर अपॉन थ्री प्लस टू एक्स आर माइनस माइनस फोर प्लस थ्री, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, फोर प्लस थ्री एक्स आर की जगह क्या रख रहे हैं, वहां आर की जगह आर प्लस वन रखा था, अब यहां पे क्या रख रहे हैं, हमको निकालना है आर प्लस टू, ठीक है। तो यहां पे एन प्लस वन है तो यहां एन है, तो यहां आर प्लस टू है तो यहां पे क्या जगह है, आर प्लस वन, आर प्लस वन अपॉन थ्री प्लस टू आर एक्स आर प्लस वन, ठीक है। जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन अपॉन थ्री प्लस टू इंटू एक्स आर इंटू थ्री प्लस टू इंटू एक्स आर प्लस वन, अपनी दिख रहा है हमको, हम क्या लेके, हमको पता है कि x1 is less than x2 is less than x3, ये तो हम बता चुके हैं, प्लस 1 है, और यहाँ पे आ रहा है xr minus xr plus 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि xr is greater than, सॉरी xr is less than xr plus 1 है, ये हमने यहाँ पे बता दिया। देयरफॉर क्या हो गया इसका मतलब, एक्स आर इज लेस देन एक्स आर प्लस वन, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या हो जाएगा, एक्स एन इज लेस देन एक्स एन प्लस वन, ठीक है, बाय हमारे गणितीय आगमन सिद्धांत से, क्या होता है ये गणितीय आगमन सिद्धांत से, क्योंकि हम आर लेके चले और वही चीज एन पे भी हम ले आए, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होता है, गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो गया, एक्स एन इज लेस देन एक्स एन प्लस वन, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एक्स एन है इज कन्वर्जेंट, मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट, मोनोटोनिकली
मोनोटोनिक नहीं मतलब एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, अब हम एक लेके चलते हैं एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन माइनस टू लेके चलते। ठीक है, एक्स एन प्लस वन माइनस टू लेके चले, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू क्या था हमारे पास, फोर प्लस थ्री इंटू एक्स एन अपॉन थ्री प्लस टू इंटू एक्स एन माइनस टू लेके चले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, थ्री प्लस टू इंटू एक्स एन तो आ गया एलसीएम। ठीक है, फोर प्लस थ्री इंटू एक्स एन माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिक्स माइनस फोर एक्स एन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस टू माइनस एक्स एन। ठीक है, माइनस प्लस थ्री एक्स एन है, माइनस फोर एक्स एन, माइनस टू और या माइनस टू माइनस एक्स एन अपॉन थ्री प्लस टू एक्स एन, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू इज ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन, यहां से हम क्या शो कर दिया, देयर फोर एक्स एन प्लस वन इज लेस देन टू, ये हमने प्रूफ कर दिया। सो टू इज अवर अपर बाउंड, लोअर बाउंड तो क्या है, एक्स वन की वैल्यू क्या निकाली हमने, वन निकाल दी, ये तो उसका लोअर बाउंड हो गया और ये क्या हो गया उसका अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध हो गया। सो टू इज अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एक्सएन, सीक्वेंस एक्सएन का क्या है अपर बाउंड, सो सीक्वेंस एक्सएन इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये शो कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसकी दो अपर लिमिट तो होगी टू और लोअर लिमिट होगी वन। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इसको, इसका हमको क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है। ठीक है, अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट वी नो दैट इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्सएन इक्वल्स टू एल देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वन इज ऑल्सो एल, अगर एक्स एन की एक्सएन की लिमिट यदि एल है तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वन की लिमिट भी क्या होगी, एल होगी, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमने मान ली इसकी लिमिट एल है और हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो वी नो दैट इफ लिमिट एक्स एन, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू एल देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वन इक्वल टू भी क्या होगी, एल होगी। ठीक है, तो अब निकालो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वन, इसकी लिमिट निकाल दी तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, हमारी सीक्वेंस क्या थी, फोर प्लस थ्री इंटू एक्स एन अपॉन थ्री प्लस टू इंटू एक्स एन। ठीक है, ये आ गया लिमिट एन टेंस टू, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एल होगी, जिसको एल लेके चलो, एल इक्वल टू फोर प्लस थ्री, ये भी एल है, अपॉन थ्री प्लस टू एल, यहां से क्या मिलेगा, एल इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, एल इंटू थ्री प्लस टू एल इक्वल टू फोर प्लस थ्री एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एल प्लस टू एल स्क्वायर इक्वल टू फोर प्लस थ्री एल, थ्री एल से थ्री एल तो कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री टू एल स्क्वायर,
इक्वल टू फोर, देन एल स्क्वायर इक्वल टू टू, फोर अपॉन टू टू हो गए, देन एल इक्वल टू क्या होगा, एल इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, बट अवर सिक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सो द वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू प्लस रूट टू क्या होगी, प्लस रूट टू होगी, माइनस वाली नहीं होगी क्योंकि हमारी सिक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, एक अदिष्ट वर्धमान है, ठीक है। इसलिए एल की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, प्लस माइनस सॉरी प्लस रूट टू, इसका मतलब हमारी जो सिक्वेंस एक्सएन है उसकी लिमिट क्या फाइंड आउट की हमने, एल इक्वल टू प्लस रूट टू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा था, सब सिक्वेंस पढ़ा, सुप्रीमम इंफिमम फाइंड आउट किया, ठीक है, सुप्रीमम इंफिमम पढ़ा, उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।